हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आरटीई राजस्थान में प्रवेश और उसमें लगने वाले दस्तावेज। तो इसकी जानकारी के लिए आप हमारा पूरा वीडियो देखें। मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज मैं आपको जो आरटीई राजस्थान में जो 25% जो निःशुल्क एडमिशन होते हैं स्कूलों में, उसके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इस आरटीई राजस्थान के लिए जो अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि जो डेट पहले मार्च में डिसाइड थी उसके लिए अब जो है टाइम बढ़ा दिया गया है। तो कुछ जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में आप ध्यान से जानें। तो सबसे पहला जो बड़ा परिवर्तन ये है कि जो आय पहले माता पिता की 1 लाख रुपए से कम होनी जरूरी थी, उसे अब बढ़ाकर 2.5 मतलब 2.5 लाख रुपये तक कर दी गई है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये होनी चाहिए। और जो भी आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू होने की जो तारीख है वो लगभग जून के फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन आवेदन प्रक्रिया में और जो भी बच्चों की प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करने में जो भी समय लगेगा उसमें अब कटौती की जाएगी, मतलब समय कम दिया जाएगा। पहले इसके लिए जैसे 1 मंथ दिया जाता था, तो अब ये 1 मंथ नहीं होगा, ये केवल 15 दिन के लिए दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही बहुत अधिक समय लग चुका है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य यही है कि अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार नहीं हो पाए हैं तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्कूल में बच्चों की जो एंट्री होगी वो जुलाई में लगभग संभावनाएं जो बनी हुई है तो जुलाई में स्टार्टिंग हो जाएगी, और पूरा जो दाखिला का जो प्रोसेस होगा वो आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर तक चलने की संभावनाएं हैं। तो इसके लिए जो नियम निर्देश जो है वो आप समझ सकते हैं कि जिस जगह के आप आधार कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र देते हो उसी क्षेत्र में ही आपको प्रवेश मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी दूसरी जगह का आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हो और प्रवेश कहीं और चाहते हो तो ये नहीं है। आपका जो निवास स्थान होगा उसके जो भी नियरेस्ट जो स्कूल्स होंगी, जो भी लगभग 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में आ रही होगी अधिकतम, उसी एरिया में ही आपको स्कूल में अलॉटमेंट आपको मिलेगा। तो ये चीजें आपको जानकारी रखनी है। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं माता पिता की जो आय है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तो इसमें जो प्राथमिकता तो दी जाती है SC ST HIV कैंसर वगैरह, या जो अनाथ बच्चे होते हैं, या PWD के जो छात्र होते हैं मतलब जो विकलांग होते हैं, युद्ध विधवाएं होती है, या जो OBC के जो होते हैं जिनकी आय 2.5 लाख से कम, तो अभी एक नई श्रेणी जो बना दी गई है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो इसके लिए BPL श्रेणी में जो होते हैं तो इनका एक वरीयता क्रम के आधार पर इनका प्रवेश होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रवेश के लिए आयु क्या होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी स्कूल में प्री प्राइमरी है तो उसके लिए 3 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 4 वर्ष से कम, मतलब अगर किसी स्कूल में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं मतलब 3 साल की अगर जो पहले की जो एजुकेशन होती है तो उसके लिए उम्र क्या होगी, 3 साल से 4 साल के बीच में। और नहीं अगर आप किसी स्कूल में अगर 4 साल का सिस्टम जो अगर होता है तो 3 वर्ष मतलब 6.5 साल से लेकर 5 वर्ष से कम तक का समय होना चाहिए। तो जो भी स्टार्टिंग जो क्लासेज होती है उसके लिए, अगर मान लो कि किसी विद्यालय में स्टार्टिंग में ही पहली क्लास है, मतलब उसमें अगर PG ये LKG UKG अगर नहीं है और फर्स्ट क्लास से अगर एडमिशन प्रारंभ होते हैं तो उसके लिए जो आयु है वो 5 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम। तो आपको अपनी जो भी नियरेस्ट स्कूल होती है उसमें पहले पता करना होगा कि उसकी जो एंट्री लेवल जो स्कूल है, मतलब पीजी है, मतलब जो प्ले ग्रुप बनाया हुआ है, LKG है, UKG है, तो उसके लिए क्या लेवल डिसाइड किया हुआ है। तो जो भी नियरेस्ट आप स्कूल चाहते हैं उसी स्कूल में पहले ये आपको पता करना होगा। इसके बाद में जो चयन प्रक्रिया होगा उसमें एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, और उसको आप समझ सकते हैं कि इसमें जो प्रवेश होता है वो 25% होता है, मतलब 3 सामान्य प्रवेश और 1 निःशुल्क प्रवेश, मतलब 75% तो जिसमें आपको फीस का भुगतान करना होता है, और 1 जो प्रवेश होता है वो 25% सीटों पर होता है। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि मान लो कि अगर किसी स्कूल में अगर 40 बच्चों की प्रवेश की लिमिट है तो उसमें 10 बच्चे जो होंगे वो निशुल्क पढ़ेंगे। तो मैं योगेश कुमार गुप्ता नॉलेज सिस्टम ई मित्र के द्वारा आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो इसके आगे की जो जानकारी है वो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो रिजल्ट होगा वो आपके ऑनलाइन आपके जो भी मोबाइल नंबर वगैरह होगा उस पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो आवेदन है ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, या भी जो भी संबंधित स्कूल में आप प्रवेश चाहते हैं उस स्कूल में जाके भी आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से आपको तैयार कर लेनी चाहिए तो वो आपको मैं बता देता हूं।
इसके लिए आपको चाहिए होता है कि जो भी आपका आयु प्रमाण पत्र जो भी बचा उसका बर्थ सर्टिफिकेट ये अनिवार्य रूप से आप बनवा लें, तो जो भी आपका ग्राम पंचायत या जो भी नगर निगम नगर पालिका जो भी क्षेत्र लगता है तो बच्चे का आपको जो आयु प्रमाण पत्र है वो जरूर ही बनवा लेना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम बचेगा। इसके अलावा आप जो भी उसके माता पिता होते हैं उसको एक आय प्रमाण पत्र जो भी दो गजेटेड ऑफिसर से तैयार करवा लेने होते हैं जिसकी आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। इसके अलावा जो है मूल निवास प्रमाण पत्र, तो जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको जरूर बनवा लेनी चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, अगर किसी बीमारी से बिलोंग करते हैं जैसे HIV वगैरह तो उसका प्रमाण पत्र, तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको तैयार कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी जो साइट है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं कि अगर आप जो भी, तो ये विद्यालय के लिए जो प्रमाण पत्र होता है वो इनकी जो सूचनाएं होती है इनके बारे में वो टिक लगा के और संस्था प्रधान जो है वो आपको एक तरह से रिपोर्टिंग करता है इसके लिए। इसके अलावा जो फॉर्म होता है वो आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म होता है ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, लेकिन अगर आप स्कूल में जाके डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो पहले ये फॉर्म भर के आप ले जा सकते हैं जिसमें कक्षा प्रवेशार्थी का नाम, आधार, जन्मतिथि, आपकी जो भी कैटेगरी है या दुर्बल वर्ग है या असुविधाग्रस्त है इसकी जो जानकारी है वो आप लेके जाएं। प्रवेशार्थी का जो भी स्टूडेंट है बच्चा है उसकी आप फोटो लगा के लेके जाएं। तो ये जो जानकारी है वो पूरी पूरी आप सही तरीके से भरते हुए जो भी संलग्न जो दस्तावेज है वो बिल्कुल सही तरीके से आप तैयार करें। और ये जो फॉर्म है ये पुराना है लेकिन अभी जो आया है वो 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये सारी जानकारी आपको पूरी सही तरीके से भर लेनी है। अब आगे की जो जानकारी ये है कि आप जो भी निःशुल्क प्रवेश पर जो चाहते हैं उसमें आप अपने गैर सरकारी जो विद्यालय में आप प्रवेश चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, उसके लिए अगर आपके कोई वार्ड वगैरह में परिवर्तन हो गया है, मान लो कि पहले किसी, क्योंकि अभी जो परिसीमन हुआ है तो उसमें कईयों के गांव और ग्राम पंचायत जो है या किसी का जो नगर निगम का जो वार्ड है वो परिवर्तन हो गया है, तो उसके लिए ये फॉर्म आपको लगाना होता है। तो पूरी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब आते हैं अपन उसकी वेबसाइट के बारे में। तो अभी यहाँ पर जो पोर्टल है वो अभी ऑन नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि जो विद्यालय के लिए आपकी जो नियरेस्ट टू स्कूल है वो कौन सी है, तो स्कूल वगैरह के लिए क्या होता है कि अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे जो सिटीजन जो दिया हुआ है वहां से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपकी जो नियरेस्ट स्कूल जो है, जैसे आप देखना चाहते हैं कि आपके जो भी नजदीक के जो एरिया में है वो स्कूल वगैरह जो कौन सी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो वो जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ से देखें कि आपको जो भी आपकी जो नियरेस्ट स्कूल है उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप सिटीजन पर जाएं। सिटीजन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, और जो भी पंजीकृत स्कूल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो भी नियरेस्ट स्कूल है उसके लिए आप डाइस विवरण पर जाएं या विद्यालय का जो विवरण आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ से आप, जैसे मैंने जयपुर यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसके बाद स्कूल के नाम का प्रथम अक्षर, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया है, जैसे आपके जो नियरेस्ट स्कूल है जैसे मैंने नाम डाला मेहता, तो मेहता के नाम से जो भी स्कूल वगैरह होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसका जो डाइस कोड है तो वो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं, और इस स्कूल में क्या क्या जो सुविधाएं वगैरह हैं उनके बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सर्चिंग हो रही है, उसके बाद में जो स्कूल की जो डिटेल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे स्कूल के बारे में डिटेल आ गई है। और इसके बाद क्या करना होता है कि इसकी जो मान्यता वगैरह के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देखिए पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको जानना है कि इस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, तो इसके लिए आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, और इसके बाद जो विद्यालय विवरण जो है उसकी जो स्थिति के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो डाइस कोड आपने कॉपी किया था इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, उसके बाद यहाँ पे खोजें। तो इस तरह से जो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं, और आपको जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करवा सकते हैं, तो यहाँ से जो विद्यालय की जो पूरी जो जानकारी है वो आप यहाँ से मिल जाएगी। और अभी जल्दी ही ये आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी दस्तावेज है वो आप हमारे यहाँ ई मित्र से, नॉलेज सिस्टम ई मित्र के द्वारा आप संपर्क करके ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।